बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ाहिद शफ़ी। स्टूडेंट्स, एक्सेलेंस ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम्स के सिलसिले में जो टेस्ट हो रहे हैं, कल आप लोगों ने फिज़िक्स 1 का टेस्ट दिया था जिसका टॉपिक था डायमेंशंस एंड यूनिट्स। उसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ज़ाहिद शफ़ी आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा, बिफोर वी शुड स्टार्ट दिस क्लास, वंस अगेन द स्पेशल रिक्वेस्ट के काइंडली जो एक्सेलेंस ऑनलाइन का चैनल है इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि उन वीडियोस की अपडेट्स जो जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ग्रुप में नहीं मिल रही, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आप लोगों को डायरेक्टली मिल सकें। सो स्टार्ट करते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिज़िक्स 1 टेस्ट। टॉपिक वॉज डायमेंशंस एंड यूनिट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, जो सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों से पूछा गया, द डायमेंशंस ऑफ वर्क। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। द आंसर इज ऑप्शन ए, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दिस इज द आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम वर्क डन की बात करते हैं, द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल होती है। और अगर आप इसको समराइज करोगे, सो द डायमेंशंस बिकम्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ लेट्स सी द एमसीक्यू नंबर 2। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सो स्टूडेंट्स, ये तो एक बहुत कॉमन सा एमसीक्यू है जिसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर के पेपर में प्रैक्टिस किया जाता है। द आंसर इज ऑप्शन डी। फॉर सेकेंड एमसीक्यू द आंसर इज एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। अगर आप लोगों में से कोई जानना चाह रहा है कि सर ये डायमेंशन हमें कैसे पता चलेगी, तो स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्मूला आप लोगों को गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू जी एम 1 एम 2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर अगर आप ये फॉर्मूला अरेंज करोगे, इट विल बिकम्स एफ आर स्क्वायर अपॉन एम 1 एम 2 इज इक्वल्स टू जी। अब यहां पर एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, फोर्स की डायमेंशन यहां पर गिवन है एम एल टी माइनस 2। आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, इसकी जो डायमेंशन है वो एल रहेगी, डिस्टेंस की डायमेंशन एल है। एम वन और एम टू मासेज हैं, एम और एम को यूज किया जाएगा। जब आप यहां पर इन तमाम की डायमेंशंस को पुट करोगे, सो फाइनली वी गॉट द डायमेंशन ऑफ जी विच विल बी द एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। नाउ लेट्स सी द एमसीक्यू नंबर 3। द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली वर्क डन और एनर्जी सेम है, सो इसके लिए भी जो आंसर होगा इट इज ऑप्शन बी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो नंबर 4, गिवन दैट वी इज द स्पीड, आर इज द रेडियस एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस। सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहां पर जो चार एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि डायमेंशन लेस है, यानी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं बनती। स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर हम यहां पर इनकी डायमेंशंस को पुट करें, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1, इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, आर डिस्टेंस है, एल होगा,
जबकि एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है इट इज एल टी माइनस टू। अब अगर आप यहाँ पर स्क्वायर को यूज करोगे इट बिकम्स एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड इट ऑल्सो बिकम्स एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो दोनों के डायमेंशन सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, देर इज नो डायमेंशन एट ऑल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है फॉर एमसीक्यू नंबर फोर, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हम कहते हैं कि ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं बनती। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द एमसीक्यू नंबर फाइव। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर डबल्ड द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी, क्या होगा फोर्स की यूनिट के साथ? लेंथ मास और टाइम तीनों को डबल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर नंबर फाइव में फोर्स के लिए फॉर्मूला देखें, फॉर फोर्स वी नो दैट फोर्स की जो डायमेंशन है इट इज एम एल टी माइनस टू। मास के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, लेंथ के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन टाइम के साथ नेगेटिव रिलेशन है, मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के साथ। अगर आप मास को डबल करोगे तो फोर्स में टू टाइम्स इजाफा होगा, अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो फोर्स में टू टाइम्स इजाफा होगा, लेकिन अगर आप टाइम को डबल करोगे, याद रखिएगा टाइम का इन्वर्स रिलेशन है, अगर आप टाइम को डबल करोगे तो यहां पर टाइम के साथ स्क्वायर भी मौजूद है, टू का स्क्वायर फोर, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फोर टाइम्स कमी आएगी। तो हम देख सकते हैं कि मास और लेंथ की वजह से टू प्लस टू फोर टाइम्स इजाफा हो रहा है और टाइम की वजह से फोर टाइम्स कमी आ रही है। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो यूनिट है वो अनचेंज रहेगी, डायमेंशन अनचेंज रहेगी, इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। सो द आंसर इज ऑप्शन डी अनचेंज्ड। नाउ स्टूडेंट्स नंबर सिक्स, क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स बट नो डायमेंशन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ना हो, अगर आप चार ऑप्शंस को देखें ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन द सेम आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज सॉलिड एंगल, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एमसीक्यू नंबर सेवन, एक्स स्क्वायर अपॉन मास हैज द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एक्स हैज द डायमेंशन फॉर्मूला। अब यहां पर अगर हम सेवन को देखें तो ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन मास की जो डायमेंशन है ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल आ रही है। इट मींस दैट कि एक्स स्क्वायर अपॉन मास की जो डायमेंशन आप लोगों ने बनानी है इट शुड बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो हम यहाँ पर एक्स के लिए ऐसे क्या डायमेंशन यूज करें कि ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये डायमेंशन आ जाए। सो अगर आप यहाँ पर मास की तो डायमेंशन m है, अगर आप x की जगह पर m l t माइनस वन, आई रिपीट m l t माइनस वन, अगर आप डायमेंशन को यूज करोगे तो यहाँ पर इस x के साथ स्क्वायर भी मौजूद है, इट विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ यहाँ पर जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम इज इक्वल्स टू द एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो यहाँ पर ये m और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाइनली वी गॉट हियर एम एल टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एमसीक्यू नंबर सेवन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो एम एल टी माइनस वन। एमसीक्यू नंबर सेवन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो
एम एल टी माइनस वन है. सो आई थिंक देर इज ऑप्शन ए शुड बी. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आई थिंक टी माइनस टू यहाँ पर लिखा हुआ है. सो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. एंड द ऑप्शन ए का जो डायमेंशन है वो है एम एल टी माइनस वन. एम एल टी माइनस वन. नाउ लेट्स सी नंबर एट. द क्वांटिटी हैविंग नेगेटिव डायमेंशन इज मास इज. चार ऑप्शंस दिए गए हैं. द आंसर इज ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्योंकि आप लोगों को नजर आ रहा है अभी मैंने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो मास की डायमेंशन है वो माइनस वन है. सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट इज़ अ नेगेटिव डायमेंशन इन मास. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स सी नंबर नाइन. इफ यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम, देन द डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला इज None of the above. This is a simple MCQ जो कि मैट्रिक स्टूडेंट भी देख सकता है. We know the formula S is equals to VIT plus half AT square. So यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. So the answer is none of the above, option D. Now let's see MCQ number 10. The dimension of light air is. The dimension of light air. रिमेंबर स्टूडेंट्स लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है. सो द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज एल. द आंसर इज ऑप्शन सी. सो स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 11. द डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर आर दैट ऑफ. वेरी सिंपल, हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर हाफ इज अ डायमेंशन लेस मैथमेटिकल नंबर. ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, टाइम की डायमेंशन टी, इसके ऊपर स्क्वायर. सो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस टू प्लस टू कैंसल आउट. सो हियर द डायमेंशन रिमेन्स एल. एंड वी नो दैट L represents the dimension of length. So the answer of MCQ number 11 is option C, length. Number 12, which of the following is the biggest unit of energy? Now students, ये numericals आप लोग second year में solve करते हो. आप लोगों ने joules को भी use किया है, electron volt को भी use किया है और BTU भी, we know that. So the biggest unit here is BTU, British Thermal Unit. हम जानते हैं कि जो 1 BTU है, 1 BTU is equals to 1055 joules. So here the biggest unit is BTU, option D. Now MCQ number 13. Students, अब यहाँ पर जो आप लोगों को MCQs नजर आ रहे हैं, some specific values are there, जो कि मैट्रिक फिजिक्स के स्टार्टिंग की बुक्स में भी मौजूद है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है. जब हम फिजिक्स में यूनिट्स की बात करते हैं, लेट सपोज के 1 meter या 1 second या 1 kilogram, सो हम जानते हैं कि 1960s में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम फिजिकिस्ट ने कुछ डिसीजंस लिए थे कि दिस लेंथ शुड बी इक्वल्स टू द 1 meter या दिस मास शुड बी इक्वल्स टू द 1 kilogram या दिस टाइम ड्यूरेशन शुड बी इक्वल्स टू द 1 second. सो वहाँ पर जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर की बुक में गिवन भी हैं, इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने याद रखना है. क्योंकि अगर हम एमकेट के या ईकेट के पास पेपर की एनालिसिस करें तो वहाँ पर भी हमें नज़र आता है कि इस तरह के MCQs पेपर में आ चुके हैं. लेट्स सी द 13. अ सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ. द आंसर इज ऑप्शन ए. द आंसर इज ऑप्शन ए. जब हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान सीजियम एटम जो है
वो 9192631770 टाइम्स वाइब्रेट करता है. तो सीजम एटम की वाइब्रेशन में जो टाइम कंज्यूम होता है दिस टाइम इज इक्वल्स टू द 1 सेकेंड. इसी तरह एमसीक्यू नंबर 14 द आंसर इज ऑप्शन ए. अगर इस तरह से रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोगों ने सेकेंड ईयर में सॉल्व किए हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, यहाँ से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अब यहाँ से आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर आप एक और वायर प्लेस कर दें, यहाँ पर जो फोर्स यूज होगी आप इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला बिल. जब आप इन तमाम वैल्यूज को पुट करोगे सो द आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए 2 एक्सपोनेंट -7 इज द करेक्ट आंसर, जो कि स्पेसिफिक नंबर है जो कि डिफाइन करता है 1 एम्पेयर को. नाउ स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 15 केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. द आंसर इज ऑप्शन ए 1/273.16. सब जानते हैं कि 1 केल्विन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू द 273 केल्विन, सो आपने उसका इन्वर्स करना है. इसी तरह एमसीक्यू नंबर 16 का आंसर इज ऑप्शन ए. एमसीक्यू नंबर 7 द आंसर इज वंस अगेन ऑप्शन ए. कार्बन एटम है, एवरीबडी नोज के यहाँ पर जो किलोग्राम में बनता है वो 0.012 किलोग्राम. एमसीक्यू नंबर 18 द आंसर इज ऑप्शन ए. स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 18 के लिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दिस आंसर इज ऑप्शन ए. यहाँ पर ज़रा मुझे बताना होगा कि ये ऑप्शन ए कैसे आया. अगर आप ए को देखें इट इज़ जी लैम्डा, यहाँ पर जी की डायमेंशन LT-2, लैम्डा की डायमेंशन L. अगर आप इसको सॉल्व करोगे L²T-2 रूट के अंदर रहेगा और जब ये रूट से बाहर निकलेंगे इट बिकम्स LT-1 एंड LT-1 रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. सो ये आप लोगों से सवाल पूछा गया था कि विच एक्सप्रेशन कुड बी करेक्ट फॉर द वेलोसिटी. द आंसर इज ऑप्शन ए. एमसीक्यू नंबर 19 द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑप्शंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेक्टर्स. इनमें जो ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल और इसका जवाब भी बहुत ही आसान. सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो द आंसर इज ऑप्शन डी, एस ओनली, डिस्प्लेसमेंट. नाउ लास्ट एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं. स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 20 में यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है P इज इक्वल्स टू के आई स्क्वायर एल अपॉन लैम्डा स्क्वायर. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ के, के की डायमेंशन क्या होनी चाहिए. सो हियर लैम्डा इज द वेव लेंथ, सो लेंथ और लेंथ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. सो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू के आई स्क्वायर, P ओवर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के. सो हियर P पावर, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. P की जगह पर हम VI यूज करेंगे, यहाँ पर आई स्क्वायर है सो I और I कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हियर K इज इक्वल्स टू V अपॉन I. K इज इक्वल्स टू V अपॉन I, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर. So V upon I is equals to R. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपको V upon I नजर आता है according to the Ohm's law V upon I is equals to R means resistance. So here K constant stands the unit for the resistance and the correct answer is option B, Ohm's. So this was the physics test number 1, paper 1.
स्टूडेंट्स आई होप सो के आप लोगों को ये टेस्ट एज सच आसान ही लगा होगा. वी होप सो के वी हैव गेट एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स देयर. एंड जो हमारा जो नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने फिजिक्स वन का जो टेस्ट देना है उसके लिए भी मैं आपको टॉपिक बता दूं. द टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो फिजिक्स वन का टॉपिक आप लोगों को दिया जा रहा है इट इज़ रिलेटेड विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन. मैट्रिक लेवल या फर्स्ट ईयर में जो आसान से न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने प्रैक्टिस किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के उन्हीं न्यूमेरिकल्स की बेस पर इंशाल्लाह ताला जो अगला टेस्ट है वो डिपेंड करेगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास. अल्लाह हाफिज़.